उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन और अराकीन की मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं हमेशा की तरह इस मुशायरे का हिस्सा बनी। आप सब यहाँ पर देख रही हूँ दिल्ली के काफी शोरा मौजूद है, तो ये हमारे लिए और खुशी की बात है। आप सब जो मेरे लिए काबिले एहतराम, इजाजत चाहते हो तब तक मुशायरे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँ। इतने जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं उनका मैं एहतराम करती हूँ। ये जश्न जम्हूरिया का मुशायरा है तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ। बहुत ही यकीन जाने मतलब दिल से दुआएं निकल रही हूँ। एक बार मैं एक और कहना चाहती हूँ, 2023 की सबसे खूबसूरत निजामत और सबसे खूबसूरत मुशायरा अगर आज हुआ है तो मोहित शादाब साहब की वजह से। बहुत ही तारीफ का बताया और बहुत ही खूबसूरत निजामत फरमाई, यकीन जानिए अच्छा लगा। फरमाइश नया सुनाइए जी। मुलाहिजा करें, चार मिसरे पढ़ती हूँ। ये तिरंगा सबका दिल और सबकी जान बनकर, मेरी जिम्मेदारी है जश्न जम्हूरिया का ये मुशायरा है तो मैं ये मिसरे जरूर पढ़ूं। ये तिरंगा सबका दिल और सबकी जान बनकर रहे, देश के लोगों सुनो सबका निशान बनकर रहे, देश के लोगों सुनो सबका निशान बनकर रहे। जब तलक है दम में दम तुमको शहीदों की कसम, जब तलक है दम में दम, जब तलक है दम में दम तुमको शहीदों की कसम। दिल की धड़कन पर तिरंगा आसमान बनकर रहे, दिल की धड़कन पर तिरंगा आसमान बनकर रहे। मुलाहिज़ा करें, पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुने कि तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही है, तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ, वही प्यार ला रही हूँ। अगर शेर पेश करना चाहती हूँ सुने, कि मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन, मुझे देखना है किससे मेरा शहर रोशन, मुझे देखना, मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन, वो मकान जला रहे हैं मैं दिए जला रही हूँ। वाह वाह वाह, प्यार ला रही हूँ, तुझे आरज़ू थी
जिसके वही प्यार ला रही हूँ। कुछ हुक्म हमारे हम पर ज्यादा लागू हो गए हैं इस वक्त, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हुक्म की तामील कर सकूँ। और नहीं, मैं सबसे ज्यादा मुहिम है खुशी इस बात की हो रही है, यहाँ पर बैठे हैं हमारे भाई रवि चतुर्वेदी जी। जी जी, खुशी की बात हमारे लिए ये है कि जब उन्होंने मुझे उर्दू में ये लिख कर दिया, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब तक रवि जैसे लोग मौजूद हैं, जब तक दीपक जैसे लोग मौजूद हैं, या हमारे भाई तस्वीर भैया जैसे लोग मौजूद हैं, जब तक कलेश जैसे मौजूद है, तब तक उर्दू को कोई नुकसान नहीं। बेशक बेशक बेशक। मुझे अच्छा लगा इन्होंने मुझे हुक्म दिया है, तो मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ और ये मिसरे भी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। सुनिए, तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। अच्छा है, अच्छा है। तुम्हारे दामन जो आंसू से मेरा नम नहीं हुआ। बहुत प्यारी गजल है दोस्तों। दामन जो आंसू से मेरा, बहुत शुक्रिया। दामन गंभीर किसी का जय
जो बांटने से बन तो गया कम नहीं हुआ, दामन जो आंसुओं से मिला। शुक्रिया बतौर खास ये शेर के आई मसलेहत भी न गैरत फरोशियां, आई मसलेहत भी न गैरत फरोशियां, गर्दन से सर जुदा तो हुआ। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। आई आई मसलेहत भी न गैरत फरोशियां, गर्दन से सर जुदा तो हुआ काम नहीं हुआ। अच्छा शेर है, अच्छा शेर है। गर्दन से सर जुदा तो हुआ कम नहीं हुआ, दामन जो आंसू से मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, जरा सा हौसला बढ़ा दीजिए ताकि मैं ज्यादा शेर आपके खिदमत में पेश करूँ। बहुत अच्छी समाले मोहतरम काबिले इहतराम आप सब सुन रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा। तुम जहाँ हो सुने गजल, मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, कुछ नहीं तुम समझते क्यों नहीं, तुम जानो मैं वही हूँ। शेर मुलाहजा करें देखें, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तो दाद देने में थोड़ा सा बखीली से लोग काम लेते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप इतने बड़े हैं जो मैं बार बार आपसे नहीं कहूंगी। इस महफिल में अगर मौजूद हैं तो सुनने के लिए मौजूद हैं, और आप मेरे मोहतरम हैं तो मुझे दिल से दुआएं जरूर दे रहे हैं, और अगर ऐसा है तो एक बार बता दीजिए कि हाँ वाकई मुझे पढ़ती हूँ आपका हुक्म, मैं पढ़ती हूँ। Thank you.
लग रहा है कि हाँ एकेडमी मौजूद है, मैं सलाम करती हूँ। साथ मैं कहीं तुम समझ गए, वाह 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 वाह, तुम कहीं मैं कहीं हूँ तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल कटोलो मैं वही हूँ। वाह 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 वाह, शायद अगर आए तो कम से कम आगे तक मौजूद रहता है, लगे कि वो शायरी कही। बेशक, लेकिन सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं, लोग चले जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, ना जाने क्या मजबूरी थी, खुदा ना करे मेरे सामने भी कोई ऐसी मजबूरी आए, लेकिन बहरहाल आप सब मेरे लिए हैं तो बस मैं हाजिर हूँ। जहाँ जहाँ तक ये समाते मेरे शेर, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, मैं कहाँ इतनी हंसी पहली सफाली सुना देंगे फिर ये मुझे हुक्म है, मैं बहन ने भी हुक्म दिया है और इधर से भी, तो मैं इजाजत चाहती हूँ एक गजल की, दो तीन शेर बना सकते हैं। ये कल भी चैनल में पड़ जाएगी। लौट आओ हम खुद भी है ना, भुला कर खताएं, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। लौट भुला कर खताएं मेरी राह में, दिल बिछा दूं अगर तुम कहो, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी राह में, दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। ईदगाह को है शहर सजने लगा, ईद आने को है शहर सजने लगा, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो, ईद आने को है शहर सजने लगा, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। लौट आओ भुला कर बताए मेरी
करे। जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी। जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी। ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, इसको चाहत बना दूं अगर। वाह वाह वाह। निगाहों में नफरत है जो, इसको चाहत बना दूं अगर। तुम कहो क्या क्या कहा ये अंधेरे न मिट पाएंगे, क्या को दिन बना दूं अगर। देखे दिल का उजाला चराहों को मैं, रात को दिन बना दूं अगर। तुम कहो लौट आओ। मेरी बहनें बैठी हैं, एक शेर पेश करना चाहती हूँ। आज की ये मसरूफ जिंदगी एक औरत कभी कभी क्या महसूस करती है कि वो जुनून क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं। वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भिला दूं अगर। तुम सबीना बुलाए इकरार इरशाद सबी इरशाद जी जी आपका हुक्म है। और वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे मिला दूं अगर। अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे, आईना में दिखा दूं अगर। तुम कहो सब सब यहाँ पर है अपने पराए नहीं, और अपनों से बातें छुपाते नहीं। सब यहाँ पर है अपने पराए नहीं, और अपनों से बातें छुपाते नहीं। जिसमें तुम्हारी जफाओं का है,
वो गजल भी सुना दूं। आइए वो खानदानी लोगों ने खानदानी गजल की दिया है, तो मैं जल्दी से वो गजल पेश करके आपकी हिम्मत में उसके बाद आपसे इजाजत मांगूंगी। खामोश लेकर ना सुनी, आपने हुक्म दिया है बाप की जिम्मेदारी। झुके हैं पलके दिलों में उल्फत नहीं, खामोश लब हैं झुके हैं पलके दिलों में उल्फत नहीं नहीं है, अभी दिलों में उस पत्नी नहीं है, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़के का दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं, नहीं। होश लब है झुकी है पलके दिलों में उल्फत नहीं नहीं है, बाहर का आज पहला दिन कैमरा नहीं खोल रखा, चलो चमन में टहलते आए, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहलते आए, फसा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई है, वाह वाह वाह। जो खानदानी गए तो रही रखते वाह।